फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस गुप्ता। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो हम लोग सुबह सुबह उठे और सुबह के बज रहे थे 10, तो मौसम यहाँ पर ख़राब हो चुका है। हम लोग ने फिर आगे के काम स्टार्ट किए, तो आप देखिएगा अभी आगे वीडियो में क्या क्या होता है। सो फ्रेंड्स, दीदी बना रही हैं शादी के लिए यहाँ पर चूल्हे। आप सभी को अगर पता हो तो ऐसे मिट्टी के चूल्हे बनते हैं, चार, और एक बड़ा बनता है जिसमें फिर किस दिन खाना बनेगा दीदी? माई मैदर में ना चूल्हा पे, इसी चूल्हे पे चढ़ता है ना भट्टी कढ़ाई वगैरह। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ये चूल्हे बनाए जा रहे हैं। लेकिन आज मौसम देख सकते हैं कैसा है, बारिश ना हो बस, वरना ये चूल्हे ख़राब हो जाएंगे। और साफ़ सफाई भी चली रही है, देख सकते हैं अभी बहुत गंदा है। अब धीरे धीरे घर की सफाई वगैरह हो रही है, किचन की आज हो गई है, अब आंगन में भी लीपा पोती होगी। तो चलिए फिर हम अभी आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या होता है। ओके, अब रेडी होने जा रही थी, हेयर वॉश किए हैं मैंने, तो मैं जा रही थी रेडी होने। रेडी तो बाद में होंगे, फिलहाल मैं नाश्ता करने जा रही थी। हलवा बन रहा है। सो यहाँ पर दीदी बना रही है हलवा और साथ में बन रही है चाय, और साथ में खाना भी दीदी ने चढ़ा ही दिया है कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए, क्योंकि काम तो बहुत सारे हैं। अब शादी का घर होने वाला है तो काम तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर दीदी कर रही है खाने नाश्ते की तैयारी, उसके बाद हम लोग सब नाश्ता करेंगे। फिर हम लोग ने आज सोचा है शॉपिंग करने का, देखिए आज हम जा पाते हैं या नहीं, आगे वीडियो में क्या होता है। तो यहाँ पर ना हलवा रेडी हो चुका है, और ज्ञान भी उड़ गई थी, आप देख सकते हैं। दर्शिका अभी सो रही हैं, तो ज्ञान भी उन्होंने अपनी दीदी को देख रही हैं। एंड अब ये भाई है नाश्ता करके अपने जॉब पे जाने वाले हैं, और ये प्रज्ञा उठ चुके हैं। कभी कभी प्रज्ञा उठ जाती, ज्ञान भी सोती, कभी ज्ञान भी उठ जाती, तो प्रज्ञा सोते रहते हैं। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम आगे काम करते हैं। और ये यहाँ पर दर्शिका भी देखे नहा के आ चुकी हैं, हेयर वॉश किए हैं दर्शिका ने, और प्रज्ञा यहाँ पर सो रहे हैं अभी। तो बच्चों का तो यही चलता रहता है, एक सोता है, एक जगता है, एक सोता है, जागता है। फिर मैंने सोचा बाहर क्या हो रहा है, देखा तो पापा बाहर समोसे बना रहे थे। सो पापा समोसे बनाते, दोस्तों आप लोग गैस पे ध्यान मत दीजिएगा, गैस चूल्हा गंदा हो ही जाता है, पापा चाहे जितना साफ कर ले, दुकान का चूल्हा इसलिए गंदा ही हो जाता है। फिर मैं अंदर आई, मैंने हलवा खाया अपना, फिर देखा तो दीदी किचन में खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो दीदी की भी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये दीदी यहाँ पर बना रही है कढ़ी, क्योंकि दीदी अच्छी बनाती है, इसलिए भाभी ने कहा दीदी ही बनाएगी, तो दीदी यहाँ पर बना रही थी कढ़ी, तो मैंने यहाँ पर वीडियो बना ली। उसके बाद खाना वाना होने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम लोगों ने फिर आज हमें जाना था प्रज्ञा को डॉक्टर के चेकअप कराने के लिए, फिर हम लोग उसके बाद चेकअप के लिए चले गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। हमारे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा। आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपका और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आपको कंटिन्यू ब्लॉग दिखाती रहूँगी। अभी यहाँ पर ये भाई आ चुके हैं, छोटे भाई देने गए थे एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम दे के आए हैं, देखिए। और ये क्या ले के आए हैं एग्ज़ाम देते हुए, ये लेकर आए हैं कटहल एंड छोटे छोटे आम लेकर आए, कच्ची अमियाँ टाइप की, तो ये लेकर आए हुए हैं। अब ये खाएँगे खाना, उसके बाद हम इनके साथ जाएँगे प्रज्ञा को दिखाने डॉक्टर को। ज्ञान भी हो चुकी है रेडी, अब प्रज्ञान की मालिश होने की बारी आ गई। प्रज्ञा मालिश करा रहे, हाँ प्रज्ञा मालिश करा रहे। सो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे प्रज्ञा को दिखाने डॉक्टर के लिए, फिर मौसम आज काफ़ी अच्छा ही था, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना अब हम लोग बच्चों को लेकर के साथ में निकल सकते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि अब हम अकेले तो छोड़ नहीं सकते। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया प्रज्ञा को दिखाने के बाद, और बोला दीदी को तुम भी आ जाओ मार्केट में, हम लोग मिलकर शॉपिंग कर लेते हैं। तो हम लोग मार्केट में मिले, फिर हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो अभी यहाँ पर बाकी के काम कर लिए थे, अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर आई थी अपने लिए कुछ देखने, बट मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा, तो फिर एक जगह पर तो चीज़ें पसंद नहीं आती, फिर हम लोगों ने कई दुकानों पे देखा, फिर आखिरी में मुझे पसंद है। और मैंने क्या ख़रीदा है मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी ये दिखाना बाकी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की, वो वीडियो में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शॉपिंग करते हैं, फिर आपको मिलते हैं बाद में। वैसे हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी शॉपिंग की, बट मौसम अच्छा देख के हम लोग तो सिर्फ प्रज्ञा को दिखाने गए थे, बट मौसम अच्छा देख करके हम लोगों ने शॉपिंग की प्लानिंग कर ली। तो मैं यहाँ पर अभी अपने लिए देख रही थी गाउन, बट यहाँ भी मुझे नहीं मिला था, आयन टाइम पर मुझे आखिरी शॉप पर मिल गया, मैं आपको दिखाऊँगी वो बाद। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूं, ये है 40 दुकान हमारे घर के पास की, किदवई नगर के मार्केट जैसे 40 दुकान भी कहते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे सामान मिलते हैं। यहाँ पर बार्गेनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत से जो दुकानदार होते हैं इतनी कॉस्टली सामान बता देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बार्गेनिंग कर पा रहे हो। वैसे मतलब हम लोग के घर के पास की थी और छोटे छोटे बेबी थे हम लोग के पास, तो हम लोगों ने यहीं का सोचा, और हमने यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की है, मतलब हाँ आधी तो कर ही ली थी, और उसके बाद हम लोग शॉप पर भी गए थे, मुझे भी डॉक्टर को दिखाना था,
आई डॉक्टर को, तो मैंने अपनी आँखें भी दिखाई थी। जब तक हम लोगों को टाइम मिला तो हम लोगों ने शॉपिंग की थी थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर हम लोग घर पे आए थे। तो अभी हम वो बाद में दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया। यहाँ पर मैं अपने लिए इयररिंग्स चूज़ कर रही थी। उसके बाद हम लोग थक गए थे और भूख भी लगी थी। फिर हम लोगों ने खाया यहाँ पर चाट पापड़ी, चाउमीन एंड मैंगो शेक वगैरह पिया खाने के बाद। उसके बाद हम फिर से निकले वापस डॉक्टर को दिखाने एंड थोड़ी सी शॉपिंग की, फिर हम लोग आए थे वापस घर। दीदी देखो इनको, शॉपिंग करके काफी थक चुके थे इसलिए अब हम लोगों ने बनाई खिचड़ी। क्या हुआ? सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे आराम। हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। जय माता दी, जय श्री राम।